ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में परसा कोल खदान के दूसरे चरण की मंजूरी के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि कंपनी खुल जाने से उन्हें रोजगार के साथ शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए उन्हें खदान खोलने की मंजूरी चाहिए। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को परसा कोल ब्लॉक खदान खोलने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने कोल खनन का ठेका अडानी कंपनी को दिया है। अब इस खदान के दूसरे फेज के लिए अडानी कंपनी को अनुमति चाहिए, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि कंपनी के खुल जाने से उनको रोजगार के साथ शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिसके लिए उन्हें खदान खोलने की मंजूरी दी जानी चाहिए। अब खदान खोली तब है तो गांव के सब जल्द रोजगार मिले। अच्छा, विस्थापन कैसे हो रहा है? जब जमीन अधिग्रहण हो रहा है तो विस्थापन कैसे कर रहे हैं? विस्थापन उसके लिए दिया दे रहे हैं ना, जगह रहने के लिए, जहाँ जगह वहाँ दे रहे हैं रहने के लिए। चले आगे बढ़िए, चले फायदा का हो रहा है? फायदा हो रहा है, शिक्षा मिल रहा है अच्छा से, हम लोग के बच्चा को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, पुरुष को रोजगार मिल रहा है। खुलना चाहिए खदान, खदान खुलवा, खदान खुलवा। नहीं खुलने से क्या परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी सर, हमारे बच्चे सब कोई, हम लोग को भी रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि खदान खुल जाए, हम लोग का रोजगार दे, ये सब चाहते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आप लोग चाहते हैं कि खदान खुले? जी सर। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि खदान खोलने के लिए ग्रामीण हमारे पास आए हैं, इनकी मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाए, विरोध करने वाले ग्रामीणों को सहमत कर लिया जाएगा। सामाजिक सद्भाव के साथ लोग रहे, अभी मैंने इनको ये भी कहा, समझाया भी है कि यदि 90% लोग चाहते हैं कि कोयला खनन प्रारंभ हो और 10% लोग बाहरी बहकावे में विरोध कर रहे हैं, तो ये उनसे बात भी करें, थोड़ा सा समझाएं भी, तो सामाजिक सद्भाव भी रहेगा और गांव में कहीं इस तरह से अनावश्यक कोई बात नहीं। इनकी जो मांग है, इनको अभी हम लोग अध्ययन करेंगे और जो समुचित प्लेटफॉर्म है वहाँ इनके मांग को, इनके भावना को भेज देंगे। नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर में छोटा धंधा कर...